निरूपा रॉय के बाद अगर किसी ने दुख और समय की मार से मजबूर निर्धन माँ के किरदार में जान डाली तो वो थी सुलोचना। उनका सरल चेहरा, मीठी आवाज उन्हें एक माँ के रूप में दर्शकों के दिलों के करीब ले आया। हिंदी मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री सुलोचना ने फिल्मों में मनोज कुमार, देवानंद, महमूद, राजेश खन्ना, सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन सरीखे लगभग सभी अग्रणी अभिनेताओं की मां की भूमिका निभाई। सुलोचना ने देवानंद की कई फिल्मों में काम किया जिसमें वो उनकी ऑन स्क्रीन मां बनी। जब प्यार किसी से होता है, प्यार मोहब्बत, दुनिया, जॉनी मेरा नाम, अमीर गरीब, वारंट, जोशीला जैसी कई फिल्में हैं जिसमें वो या तो देवानंद की मां बनी या फिर उनकी करीबी रिश्तेदार के रूप में नजर आईं। लेकिन हिंदी सिनेमा में सुलोचना को अमिताभ की मां के रूप में याद किया जाता है। अमिताभ उन्हें अपने असल जीवन में अपनी मां मानते हैं जो अमिताभ से महज 14 साल बड़ी हैं। अमिताभ ने फरार, रोटी कपड़ा और मकान व याराना जैसी फिल्मों में सुलोचना के साथ काम किया। उनकी कई यादगार फिल्मों में से मजबूर, मुकद्दर का सिकंदर, आशा, जॉनी मेरा नाम खास तौर से शामिल हैं, जिसमें सुलोचना ने अपने किरदार से दर्शकों के दिलों पर राज किया। तो कितने